और हम जा रहे हैं राइड पे। फाइनली यार कुणकेश्वरी मंदिर। मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है, दिल तेरा जदों टूटूगा ता पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू। सो गाइस ऑलराइट, तो अभी हम निकल रहे हैं सुबह सुबह और ये मुझे उठा था बाय बाय करने। बाय बाय सब दिन। सो गाड़ी ना मैंने पहले स्टार्ट करके रखी थी। सो गाइस तो अभी चलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस अभी ना टाइम बच चुका है सुबह के 5:30 और मैं ना अभी निकल रहा हूँ सुबह सुबह राइड के लिए। तो अभी ना 5:30 बजे बहुत ही अंधेरा है, तो ना मैं थोड़ी देर बाद शूट करता हूँ। और कहाँ पर जा रहा हूँ मैं और मेरे साथ कौन कौन जा रहा हूँ ये भी मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि ना अभी अंधेरा है तो शूट के लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। सो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी हम ना है बिचौली में और यहाँ पर ना मिथुन भाई कर रहा है मेरा वेट, जो कि स्ट्रेट अवे आया है साकलिम से। तो अभी ना यहाँ से निकलते हैं और चलते आगे। और ये रहा मिथुन और मेरी एक बाइक और आगे जाके और एक मेरा दोस्त मिलने वाला है मुझे। मैंने लास्ट ब्लॉग में बता दिया है वो है विराज, और विराज हमको आगे मिलेगा। सो या तो विराज भाई को यही कहीं पर रुकने को बोला था, देखते हो कहाँ पर रुका है। अगर इधर दिखा नहीं तो कॉल करना पड़ेगा। सो या गाइस विराज भाई इधर किधर दिख नहीं रहे, सो अभी करते एक कॉल उसको। तो गाइस अभी ना वेट कर रहे हैं विराज का, हम काफ़ी टाइम हो गया इधर आए हुए पर वो अभी तक नहीं आया। ऑलमोस्ट हम ना इधर 20 मिनट्स है। और मीट शेखर भाई जो हमको इधर, इसने मेरे को इधर देखा और मिलने को आया। सो गाइस और मेरे साथ ना जा रहा है निर्णय और ये राम मिथुन और अभी विराज का हो रहा है वेट, देखते हो कब तक आता है और बाद में निकलेंगे इधर से। सो गाइस अभी ना कर रहे हैं हम फ्यूल अप, मैं नहीं कर रहा हूँ विराज कर रहा है, क्योंकि मैंने तो कल रात को ही किया था। सो अभी इसका होगा फ्यूल अप और विराज ने आधे टाइम ना बहुत ही लेट कर दिया। मेन थिंग इसने मुझे कॉल करके सुबह जगाया था और यही लेट आया। सो यहाँ भी फ्यूल अप करते और निकलते इधर से। तो गाइस अभी ना हमको यह हाईवे मिला है नारगढ़ पेंडा हाईवे। भाई आगे है, मैं सबसे लास्ट, बीच में है विराज। अभी टाइम बच गया है 7:00 एंड अभी ना इधर ठंडी बहुत है। आई डोंट नो ठंडी कैसे लग रही है आज, क्योंकि ना गोवा में तो मालूम ही है आप सभी लोगों को कि बहुत ही गर्मी होती है। दोपहर को तो 40 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर और आज देखो सुबह सुबह ठंडी लग रही है। और ये देख लो सनराइज, मैं भी आज ही देख रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। सुबह ना थोड़ा लेट उठा तो सनराइज देखने को नहीं मिला, तो आज मिल रहा है मुझे सनराइज देख। तो ना गाइस आप देख सकते हो कि सुबह सुबह बच्चे ना स्कूल को जा रहे हैं साइकिल लेके और हम जा रहे हैं राइड पे। एक टाइम ऐसा भी था कि हम भी ऐसे जाते थे स्कूल में साइकिल पे, वो दिन भी कई दिन थे। तो ना गाइस अभी और ऑलमोस्ट एक 15 किलोमीटर है, उसके बाद ना हम कुड़ा पहुँच जाएंगे। और मेरे आगे है मिथुन भाई, मैं हूँ बीच में और मेरे पीछे है विराज। ये तीनों ना सिंगल ही है, मतलब ये दोनों ना सिंगल है और मेरे साथ किरियन है नेड़ा है। टिल नाउ ऑल गुड। तो गाइस हम ना अब जस्ट एंटर हुए हैं कुडार में और अभी हम रुके हैं चाय ब्रेक के लिए। इधर कर रहे हैं गाड़ी पार्किंग और अभी चाय ब्रेक के लिए जा रहे हैं। सुबह से ना हम गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, चाय ब्रेक नहीं लिया था, भूखे पेट आए थे। अभी टाइम बच गया है 8:10 है अभी और सुबह 5 बजे सभी चलते हैं चाय लेने के लिए। तो गाइस अभी हमने है कुडा में और अभी हम रुके थे चाय ब्रेक के लिए और यह है विराज जो सुबह इतने ही लेट किया था।
निर्णय माड़ी तो और मिथुन। तो गाइस सुबह से ना मैं बस गाड़ी चलाते हुए आया हूँ और अभी ना हम जा रहे हैं गणपतिपुरे। गणपतिपुरे से ना और दो तीन स्पॉट और है हमारे जो हमारे आइटनरी में है, तो हम ना पहले उधर जाएंगे और बाद में गणपतिपुरे। तो या अभी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि ना बहुत टाइम हो जाएगा बाद में। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी चलाते हुए आया हूँ और आपको मैंने बताया ना कि मैं जहाँ आ रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं गणपतिपुरे और गणपतिपुरे से ना पहले दो तीन स्पॉट हमारे और है वो भी हम कवर करेंगे और बाद में गणपतिपुरे जाएंगे। तो ना अभी हम है कुडा में और पहले हम जाएंगे कनकेश्वरी और उसके बाद हमारे और दो स्पॉट है और उसके बाद गणपतिपुरे। तो या ये सब कवर करेंगे और अभी बढ़ते आगे। अभी तक ना सब कुछ अच्छा है, कुछ गर्मी भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रही है। ऐसा गोवा में देखा तो बहुत ना बहुत गर्मी होती है पर यहाँ पर ना ऐसा कुछ नहीं है। शायद से हम बाइक पे है इसलिए गर्मी नहीं लग रही है। लेट्स सी क्या होता है आगे, अभी 12 बजने के बाद ही पता चलेगा। तो पहला स्पॉट हमारा होगा वो कुणकेश्वर टेम्पल हर हर महादेव और उसके बाद ना हम दो गढ़ किले कवर अप करेंगे। तो यार अभी चलते हैं पहले टेम्पल में। तो अभी ना गाइस टाइम बच गया है 9 और सूर्य देवता ने अपना धूप फेंकना चालू कर दिया है। तो अभी ना हमको इससे बचना है और 12 बजे से पहले पहुँचना है। सो गाइस वी आर फाइनली हियर कुणकेश्वरी मंदिर। अभी ना हम पार्किंग ढूंढ रहे, पार्किंग करते हैं पहले और बाद में जाएंगे मंदिर में। तो यहाँ पर ना बहुत ही धूप है, शायद से यही पार्क करके जाना पड़ेगा अंदर। तो गाइस अभी ना हम जाने वाले हैं अंदर मंदिर में। तो यहाँ चलते हैं। तो गाइस ये ना लड़का पूरा पागल है, साला बूट डाल के अंदर है मंदिर में गए। तो गाइस अभी ना हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और मंदिर के साइड में ही ना ये देखो बीच और यहाँ पे बोलते हैं दक्षिण कोकणातली काशी। तो अभी हमने ना इधर दो तीन फोटो खींचे और वो आपको देखने को मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे। फॉलो मी ऑन, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस। तो गाइस अभी ना इधर से निकल रहे हैं, ये था हमारा पहला स्पॉट, अभी जा रहे हैं दूसरी स्पॉट की तरफ वो जो कि है विजय दुर्गा फोर्ट। तो यार लेट्स गो। और अभी ना ये भाई चला रहा है गाड़ी क्योंकि इसके बम दुख गए पीछे बैठ के, तो मुझे पीछे बैठने को बोल रहा है अभी। तो गाइस व्यू चेक कर लो एक बार, इतना मस्त व्यू है। तो गाइस ये आगे नज़ारे देखो और हम ना इधर रुके थे बीच में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, व्यू अच्छा मिल रहा था तो थोड़े फ़ोटो खींचे और जा रहे हैं अभी। इधर काफ़ी अच्छी प्लेसेस है फ़ोटो खिंचवाने के लिए पर हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा रुकने के लिए। अगर फ़ोटो खिंचवाने रुके तो इधर ही रुकेंगे हम, इसलिए अभी जा रहे हैं इधर से। गाइस मुझे ना ये बीच पसंद है, पूरा क्लीन बीच है। हमारे गोवा में क्या होता है पूरा कचरा होता है बीच पे, पर यहाँ जिधर देखो उधर क्लीन बीच है। तो गाइस अभी हम जा रहे थे, हमारे लेफ्ट साइड में है बीच और यहाँ ये सब बोल रहे हैं फ़ोटो खींचेंगे अभी फिर से। शायद से हम बीच में जा रहे हैं, आई डोंट नो। मिथुन भाई डायरेक्ट अंदर गया, देखो मिथुन भाई किधर गए। Let's go, let's go, let's go, boys! ओ भाई, इधर पूरा रेत है, गाइस रेत। भाई वो ना, मैं फंस गया है, गाइस। विराज को पहले वॉर्न कर दिया कि मत आना। तो गाइस मैं अभी अंदर फंस गया हूँ। इधर है अंदर हम फोटो शूट करने लग गए फोटो शूट के। देखो मैं फंस गया हूँ और इस भाई को फोटो की पड़ी है, निकालो मुझे यहाँ से।
पीछे पीछे भाई, पहले गाड़ी निकालेंगे बाहर। फाइनली गाइस बाहर आ चुका हूँ, गंदी तरीके से फंसा था अंदर। सो गाइस ये भी फंस गया है, पीछे मिथुन भी फंस गया है। निकल ओ, निकल गया निकल गया निकल गया फाइनली फाइनली। भाई थोड़ा साइड में रुको, मुझे ना पता नहीं था कि अंदर रेत है, मैं समझा शायद मिट्टी का ऐसा है रोड। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ ला।